गुड मॉर्निंग एवरी वन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व इन द इशू प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब आप न्यू इशू निकाल रहे हो तो वहाँ पे कौन कौन से पर्सनस हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनसे हम इंटरमीडियरीज कह रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं. जो मेजर पार्टीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू, रजिस्ट्रार टू द इशू, बैंकर्स टू द इशू, अंडरराइटर्स टू द इशू, स्टॉक ब्रोकर्स एक्सेट्रा, वेरियस पार्टीज हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. उनका एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ता है. तो जो मेजर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहला आपका आता है मर्चेंट बैंकर्स, या जिसे हम लीड मैनेजर्स भी कहते हैं. मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं जो ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें सभी डिटेल्स होती हैं कंपनी की, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हैं एंटायर इशू प्रोसेस में उसको कंप्लीट करने के लिए, मार्केटिंग ऑफ द इशू करने के लिए. और इन केस अगर आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू पब्लिक इशू कर रहे हो तो जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उन्हें बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी कहा जाता है. जो भी फंड मैनेजमेंट्स है एग्जिस्टिंग कंपनीज की या अंडरराइटिंग है न्यू एंड ओल्ड कंपनीज के लिए, वो सारे फंक्शंस ये करते हैं. और ये ऑब्लिगेटरी है कि जो भी पब्लिक इशू निकाले जा रहे हैं उनको मैनेज मर्चेंट बैंकर्स करेगा, फंक्शन करेगा वो एज अ लीड मैनेजर. एक्सेप्ट किसको छोड़ के? अगर आप राइट इशू निकाल रहे हैं और वो एक्सीड नहीं करता है 50 लाख रुपीज से. नेक्स्ट जो पार्टी इन्वॉल्व है दैट इज अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स क्या होते हैं? जो अंडरराइटिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसे अंडरराइटर्स कहा जाता है. अंडरराइटिंग क्या होती है? अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? इशूइंग कंपनी के बीच में और उस पर्सन या इंस्टीट्यूशन के बीच में जो इशू कर रही है शेयर्स को या सिक्योरिटीज को. जो इशूइंग कंपनी है और वो जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है. जो इंस्टीट्यूशन है वो गारंटी देता है इशूइंग कंपनी को कि जो इशू है अगर वो फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ पब्लिक के थ्रू तो जो भी बैलेंस शेयर्स बचेंगे जो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं उसे जो वो पर्सन है जो अंडरराइटर है वो उन शेयर्स को खरीदेगा. तो उस पर्सन और इंस्टीट्यूशन को हम अंडरराइटर कहते हैं. जो अंडरराइटर है ये सर्विसेज वो एक कमीशन एग्रीड अपॉन होती है आपके एग्रीमेंट में, उस कमीशन को लेकर फिर वो अंडरराइटिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रजिस्ट्रार टू इशू. रजिस्ट्रार टू इशू भी एक इंटरमीडियरी है जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. इसका काम क्या होता है? इसका काम है कलेक्ट करना एप्लीकेशन फॉर्म इन्वेस्टर्स के, उनकी एप्लीकेशन मनी या मनी जो भी इन्वेस्टर्स से रिसीव हुई है उसका रिकॉर्ड रखना, असिस्ट करना कंपनी को ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस बेसिस पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने हैं, हेल्प करना इन डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स के, रिफंड ऑर्डर करना, इंटरेस्ट वारंट देना, डिस्पैच करना नोटिसेस मीटिंग्स के, एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को, असिस्ट करना इन प्रिपेयरिंग स्टेचुटरी एनुअल रिटर्न्स एक्सेट्रा, जैसी जो चीज़ें हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट आता है आपका बैंकर्स टू एन इशू. बैंकर्स टू एन इशू कौन होते हैं? जो भी बैंक फंक्शन कर रहा है बैंकर टू एन इशू का, उसे सबसे पहले तो कंपल्सरी है रजिस्टर होना सेबी के पास. कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक्ट करेगा एज अ बैंकर टू एन इशू वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट कब कर सकता है? जब उसके पास सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सेबी के पास, और सेबी वो सर्टिफिकेट ग्रांट करती है कंसीडर करके उसकी पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, नेचर साइज कैसा है बैंक का और उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज. बैंकर टू एन इशू का काम क्या होता है? इसका काम है कि एक्सेप्ट करना एप्लीकेशंस शेयर डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी के साथ इन्वेस्टर्स से, और रिफंड करना एप्लीकेशन मनी को एप्लीकेंट्स को जिनको सिक्योरिटीज जो हैं अलॉट नहीं हुई है. नेक्स्ट हमारा आता है डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स जो हैं कंपनी के उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए सेबी ने ये कंपल्सरी किया है कि अगर कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 18 मंथ से ज़्यादा है तो कंपल्सरी है कि वो एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करें.
जो नेम है डिबेंचर ट्रस्टी का उसे उसे ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ब्रोकर्स टू इशू। ब्रोकर्स टू इशू कौन होते हैं? ब्रोकर्स टू इशू कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में जो हेल्प करते हैं आपके इशू को बिकवाने में, उसे हम ब्रोकर्स टू इशू कहते हैं। जो ब्रोकर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं और उनसे सब्सक्रिप्शन प्रोक्योर करते हैं। इशू अगर आपने सिक्योरिटीज का करना है पब्लिक को, तो कंपनी जितने चाहे उतने ब्रोकर्स को अपॉइंट कर सकती हैं, और जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के उन्हें प्रियोरियर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपने स्टॉक एक्सचेंज से, अगर वो एक्ट करना चाहते हैं एज अ ब्रोकर टू एन इशू। नेक्स्ट जो है दैट इज पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट कौन होते हैं? सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आपके पास स्टॉक्स हैं, स्टॉक का मतलब है शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या मनी मार्केट के कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट वो पर्सन्स होते हैं जो आपको पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग कंसल्टेशन देते हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी सिक्योरिटीज रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। ये एडवाइस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, अंडरटेक करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फंड्स को ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ये हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को इन सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, सो दैट आप अपनी जो रिटर्न है उसे मैक्सिमाइज कर सको विद मिनिमम रिस्क के साथ। तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। इसके साथ जो हमारा प्राइमरी मार्केट का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको आप ट्रेड कर रहे हो, उनको बाय और सेल आप कर रहे हो, तो उसे सेकेंडरी मार्केट क्या कहा जाता है। इसे पॉपुलरली स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट का। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय और सेल कर सकते हैं अपनी शेयर्स डिबेंचर्स कंपनीज के। यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो इक्विटी में भी डील करती है और डेब्ट में भी डील करती है। जो प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है सेकेंडरी मार्केट पे, कैसे, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर कोई सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में निकल रही है तो वो कब बिकेगी? वो तब बिकेगी जब उस सिक्योरिटी की सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल हो। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो पहले क्या देखते हो कि अगर मैं वो प्रोडक्ट बेचना चाहूँ बाद में तो क्या उसके लिए मार्केट अवेलेबल है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर जो सेकेंडरी मार्केट है सिक्योरिटीज़ के लिए अवेलेबल है तभी वो सिक्योरिटी जो है प्राइमरी मार्केट में अच्छा इशू उसका निकल पाएगा। जो ग्रोथ है प्राइमरी मार्केट की वो डिपेंड करती है सेकेंडरी मार्केट पर। सपोज़ कोई शेयर है वो उसकी सेकेंडरी मार्केट सपोज़ हम कहते हैं नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार प्राइमरी इशू ने प्राइमरी मार्केट में आपने प्राइमरी इशू में सिक्योरिटीज खरीद ली, उसके बाद आपको उम्र भर उसको रखना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है बाय या सेल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी मार्केट की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। सेकेंडरी मार्केट होगी तभी प्राइमरी मार्केट जो है वो ग्रो कर पाएगी। तो ग्रोथ जो है प्राइमरी मार्केट की वो डिपेंड करती है सेकेंडरी मार्केट पे, और इस तरीके से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट एक दूसरे से रिलेटेड है, और इससे प्रमोट होती है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट आता है मीनिंग क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअल में है क्या? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर नॉर्मल लेमैन को हम पूछें तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जो भी सिक्योरिटीज हैं शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स उनको परचेज और सोल्ड करते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन है पर्सन्स का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का जो हेल्प करता है इन मैनेजिंग जो भी आपका ट्रेड हो रहा है सिक्योरिटीज में, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको रेगुलेट करता है जो भी आपका बिजनेस हो रहा है सिक्योरिटीज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से सर्व करता है एज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्टॉक एक्सचेंज ये बताता है कि कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है।
स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो सिक्योरिटीज हैं उनका ट्रेड हाई हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का जो वैल्यू है, जैसे आप सेंसेक्स देखते हो, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर आपका सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है या इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE जिसे हम कहते हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके स्टॉक एक्सचेंजेस के। देन नेक्स्ट जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज सर्व करता है एज अ लिंक बिटवीन इशुअर एंड इन्वेस्टर, जो इशू कर रहा है इशुअर है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच का लिंक है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पर्सनस हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, जिनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स पर। इशुअर्स वो कंपनीज हैं जो जिन्होंने सिक्योरिटीज इशू की हैं, जैसे डिबेंचर्स, शेयर्स या बॉन्ड्स। तो जो स्टॉक मार्केट है वो एक लिंक प्रोवाइड करवाती है बिटवीन इशुअर एंड इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू पायल, स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं वहाँ पर उसे आप बाय और सेल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज जो कंपनीज ने इशू की हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की हैं, उसे आप परचेज और सोल्ड कर सकते हो। सिक्योरिटीज में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स सेक्टर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज की एक गवर्निंग बॉडी होती है, मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल करती है जो स्टॉक एक्सचेंज को, और जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे की जा रही हैं उसे आप प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ करते हो जिसे गवर्न करते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड सेबी। नेक्स्ट आता है डीलिंग ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर सकते हो जो ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी कोई भी कंपनी चाहती है कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करे तो उसके लिए उसे पहले एडमिशन लेना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसी को हम लिस्टेड होना कहते हैं। तो सिर्फ वही सिक्योरिटीज ट्रेड हो सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जो वहाँ पे लिस्टेड होती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो अगर कंपनी फुलफिल करती है तो उसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही जो है बाय और सेल कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर है, सपोज कोई भी पर्सन है, उसे अगर बाय और सेल करना है स्टॉक मार्केट में तो वो थ्रू रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड मेंबर्स ही कर सकता है। और ऑथराइज्ड मेंबर्स का मतलब है जो भी वहाँ पे ब्रोकर सब ब्रोकर्स हैं उन्हें पहले अपने आप को रजिस्टर, वो ब्रोकर सब ब्रोकर कब बनते हैं, जब वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं सेबी के पास। देन आता है आपका नेसेसरी टू ओबे दी रूल्स एंड बायलॉज, जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ज़रूरी है जो भी उसके रूल्स बायलॉज हैं स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट, स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर दी कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट जो इसके फंक्शंस, रोल और इम्पोर्टेंस है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।